हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ एक लबाबदार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही क्विक, सिंपल और इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होती है। जब भी आपको कुछ झटपट बनाकर सर्व करना हो तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, रोटी पराठे किसी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस एक लबाबदार को कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 2 सिनेमन स्टिक, 4 लौंग, 2 इलायची, 1 टीस्पून जीरा और 1 तेज़पत्ता है। ऑयल में डालने के बाद जब ये मसाले अच्छे से क्रैकल हो जाएं तब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसको ऑमलेट कट मैंने काट लिया है। प्याज डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसमें हल्का सा पिंक कलर आ जाए इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का कलर आने लगा है। तो अब इस स्टेज पर ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को आप मीडियम पे ही रखें और मीडियम फ्लेम पे दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसका मैंने प्यूरी बना लिया है। टमाटर को डालकर हमें इसे अच्छे से भुनना है और टमाटर डालने के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने इसमें कसूरी मेथी डाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार हम अच्छे से इसको स्टर कर देंगे और अब हम इसमें लीड लगाकर 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि सारे मसाले अच्छे से पक नहीं जाते और तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकती हैं कि मसाले अच्छे से भून गए हैं, तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 10 से 12 काजू को भिगो दिया था और इसको अच्छे से ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है और इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने काजू को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने आधे शिमला मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है। शिमला मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहती तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी। पानी डालने के बाद सारे मसाले को अच्छे से एक बार स्टर कर दीजिए और अब लिड लगाकर हम इसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट के बाद चलिए हम खोलकर देखते हैं। आप देख सकती हैं पानी थोड़ा रेड्यूस हो गया है और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे क्रीम। क्रीम डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्रीम आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो दूध के ऊपर की मलाई जो आती है उसको भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर कर मलाई डाला है। मलाई डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसे पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अंडे को। तो जगह बनाते हुए मैंने यहाँ पे 4 अंडों को डाल दिया है। आप 4 की जगह 5-6 जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप अंडे को डाल दीजिए। और डालने के बाद हम लेड लगाकर इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि अंडा अच्छे से सेट नहीं हो जाता। 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अंडा अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो ऊपर से हम थोड़े से हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं और हरी मिर्च डाल देते हैं। तो
तो यहाँ पे मैंने साबुत हरी मिर्च इसमें डाली है, आप स्लेट करके भी इसमें डाल सकती हैं। और फिर से हम लिड लगाकर एक से दो मिनट तक इसको इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे ताकि जो अंडे में कसर होगा वो पक जाएगा। ये देखिए हमारा एक लबाबदार बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको पूड़ी, पराठे या चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिए, सभी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।